हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल देखेंगे। ये क्लास सेवन्थ के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, तो इन एंगल के सम क्या होंगे वो हम डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। तो देयर इज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दो एक्टिविटी के थ्रू। तो बिफोर वो एक्टिविटी जाने के लिए आपको एक चीज़ जानने पड़ेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। तो स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? एंगल फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ए ओ बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और इसका मेजर कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल जो है ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए हम लोग एक्टिविटी पर देखते हैं कि हमें उसमें निकालेंगे कि क्या होता है, सम जो होंगे क्या होंगे। अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिए हैं ए बी और सी, ठीक है। इसका एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एंगल सी है इनको मूव करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा और एंगल बी जो है ब्लू वाले जो है उसको मूव करके ए के पास ले आऊंगा और देखता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर रेड वाला एंगल सी है और ब्लू वाला एंगल बी है और ये जो ग्रीन जो है ये एंगल ए है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसको ले आए। चलिए देखते हैं, रेड को लेकर आ रहा हूँ मैं। रेड को मैंने ले आया, मैंने एंगल सी को ले आया और मैंने उठा के यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये एंगल्स जुड़ गए यहाँ पर और नेक्स्ट में इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। अब मैंने सेम ऐसे किया, इनको लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ, ये जो तीनों रेड जो रेड हो गए, ब्लू हो गया, ग्रीन ये मिल के क्या बन गए, ये देखिए, ये जो है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, किसका कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रेट एंगल हो गए। और हमने पहले जो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, स्ट्रेट एंगल का जो मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर इसके इंटरनल एंगल का सम करते हैं वो क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। होप आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए इसको और एक दूसरे एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस जो डिफरेंट एंगल जो है इनको प्रोटेक्टर से मेजर कर ले और मुझे उसको जोड़ दूं तो भी तो निकल सकता है सम है कि नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी वही चीज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है। अब जो है इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास एंगल सी कितने हैं, 80 डिग्री है, एंगल ए है 54 डिग्री है और एंगल बी है 46 डिग्री। अब इनके सम करेंगे तो कितना होगा, अब चलिए जोड़ के देखते हैं। अब देखिए जैसे 46 एंड 54 इनका अगर सम करते हैं तो कितने होंगे, ये 6 प्लस 4 10 और ये 50 और 40 90, दैट इज ये 100 हो गए दोनों मिलके और ये प्लस 100 है तो 180 डिग्री हो गए। अब क्या ये पर्टिकुलर इसी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है? तो मैं चलिए इसके एंगल चेंज करके देखते हैं। ये मैंने लिखे चेंज कर दिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके एंगल जो सी है वो अलग चेंज करके मैंने बताया कितना कर दें। चलिए मैंने इसको 75 कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए बाकी ये चेंज हो गए। अब देखिए अब दोनों इस दोनों को जोड़ के कितने हो गए, मतलब एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और बी जोड़ के 70 प्लस 35 और एंगल सी हो गया 75। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 70 प्लस 35 105 प्लस 75 180। सिमिलरली भी आप चेंज करते जाएंगे, आप चेंज करते जाएं और जोड़ते जाएं तो यू विल गेट 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्राइंगल में इंटरनल एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के उनके सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किसी भी ट्राइंगल के सम जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। चलिए ओके, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।